दिन हो गया है, 6 दिन से हम सफर कर रहे हैं और सुबह सुबह हमने यात्रा आरंभ किया है प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर। और हमने यही सोचा है कि भाई हम कभी भी पहुँचे, हमने ये नहीं सोचा है कि हम 22 जनवरी को पहुँचेंगे उद्घाटन के दिन, हम कभी भी पहुँचेंगे, हम दर्शन लेकर ही रहे, हमारे दिल में यही इच्छा है। देखिए, राम जी को मानने के लिए हिंदू होना ही ज़रूरी नहीं है। अगर राम जी को कोई भी मानता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हिंदू ही राम जी को माने, और राम जी तो सबके भगवान है। ज़रूरी नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं राम जी को नहीं मानूंगी, मैं मानती हूँ और राम जी के लिए मैं जा रही हूँ। और मुझे प्रेरणा ऐसे आई कि इंस्टाग्राम पे आए इन दिनों, सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे और खास करके लड़कों के, वो बहुत पैदल यात्रा करते हुए हर बहुत सारी जगह जा रहे हैं, तो मैंने लड़कियों का एक भी वीडियो नहीं देखा। तो मैंने सोचा यार, लड़के कर सकते हैं तो हम महिलाएँ क्यों नहीं कर सकती है, हम तो देवी लक्ष्मी के रूप है। जैसे सनातन धर्म में बोला गया है कि महिलाएं देवी लक्ष्मी की रूप होती है, तो हम क्यों नहीं ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, हमें तो नारी शक्ति कहा गया है। तो मैं एक नारी शक्ति हूँ और मैं वही बता रही हूँ लोगों को कि भाई लड़के ही नहीं, महिलाएं भी ये कार्य कर सकती है, पैदल चल सकती है। मुझे बहुत लोगों ने ये बोला है कि अरे लड़की है, आप लड़की हो और इतना दूर जा रहे हो। अरे लड़की नहीं, मैं नारी शक्ति हूँ, मैं देवी हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं काली माता हूँ, उनका रूप हूँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ। राम भगवान को मानने के लिए हिंदू होना ज़रूरी नहीं है, उनको मानने के लिए दिल अच्छा होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए और दिल में जज्बा होना चाहिए, बस। CEN News, देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।